अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. यूनिट टू वी हैव लर्न. यूनिट टू होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? यस, काउंटिंग नंबर. व्हेन वी ऐड जीरो विद नेचुरल नंबर दैट बिकम अ होल नंबर्स. ओके, तो होल नंबर्स में आज हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एक्सरसाइज 2.2. What is commutative law? Commutative law of whole number with respect to addition. Okay, student, commutate mean change करना. ठीक है, change तो क्या है? The order in which number are added does not change the sum. ठीक है, अब कहते हैं ना कि हम जब numbers के orders को change कर देते हैं, यानी कि आपके पास a प्लस बी हो या b प्लस सी हो, दोनों के आंसर इक्वल्स होते हैं. ठीक है, या 3 प्लस 4 कर ले या 4 प्लस 3 कर ले, दोनों का आंसर 7 आएगा. तो इसके आपके इसकी प्लेस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं. द चेंज ऑफ ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द आंसर. ठीक है, डज नॉट चेंज ऑफ ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम. सम आपके पास आंसर सेम रहता है, चाहे आप उसको ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. द वे यू ग्रुप थ्री आर मोर नंबर्स व्हेन एडिंग डज नॉट चेंज देयर सम. ओके, अब क्या आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? थ्री नंबर्स, जब आपके पास आप थ्री नंबर्स आपके पास आ जाते हैं और ग्रुपिंग करते हैं, आप उसकी थ्री नंबर्स को ग्रुपिंग करके उसके ऐड करते हैं. तो ग्रुप में आपके पास क्या है कि अगर आप ए बी सी हैं, ए बी का ग्रुप कर लें और उसको सी के साथ ऐड कर लें, या बी सी का ग्रुप बना लें और ए के साथ ऐड कर लें, उनके आंसर आपके पास सेम आएंगे. ठीक हो गया ना? यानी कि अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, तो डिमॉस रूल में हम पहले क्या करते हैं, बॉट मास रूल में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना. तो ब्रैकेट के आंसर के साथ, जब ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तो उसको आप सी के साथ प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, अगर आपने ठीक है ना, आपने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट की चेंज प्लेस चेंज कर दी है. पहले आपके पास ए प्लस बी पे था, यहाँ पे आपके पास बी प्लस सी पे आ गया. तो ब्रैकेट चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे कि देखें, 2 प्लस 5 प्लस 6, ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में आपके पास क्या ए प्लस बी है, इज इक्वल टू 2 प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस 6. ठीक होगा, 13. इसका आंसर भी 7 प्लस 6 13, 2 प्लस 11 13, आंसर इज सेम. ठीक हो गया ना? देखिए, हमने 2 प्लस 5 को किया यहाँ पे 5 प्लस 6 किया, तो फिर भी हमारे पास आंसर चेंज नहीं होता. ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यू हैव टू नंबर्स, ओके, एंड इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू विल थ्री नंबर्स, थ्री डिजिट्स. ओके, तो ये हो गया आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ई डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना. ठीक है, आपने क्या करना होता है? बिगर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब आपके पास क्या 3, 53 एंड 17. थ्री इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. तो 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने साथ दूसरे नंबर से हम बारो ले लेते हैं. ठीक है ना? तो जब हम इससे बारो लेते हैं तो ये 3 हमारे पास 13 बन जाता है. फिर हम 13 में से 7 को जब माइनस कर लेते हैं, या आप फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं, आप लाइंस भी लगा सकते हैं, व्हेन यू सबट्रैक्ट 13 फ्रॉम 7, तो आपके पास आंसर 6 आ जाते हैं. अब जब आपने एक बार वो इसको दे दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या रह गया, 4. 4 में से 1 माइनस करे तो 3. सो आंसर इज 36. व्हेन यू सबट्रैक्ट 53 माइनस 17, द आंसर इज 36. ठीक हो गया? आपके पास जब स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर माइनस हो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं,
अपने साथ वाले नंबर से 10 से हम एक बारो ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके पास पैसे, एक एग्जांपल ये भी आप ले सकते हैं ना कि आपके पास मनी है, आपने कुछ बारो करना है, लेकिन आपके पास आपने कुछ खरीदना है, आपने बाय करना है, तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड से बारो को लेके अपनी मनी कंप्लीट करके और आप वो चीज़ खरीद लेते हो। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि जब आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो आप अपने नेक्स्ट नंबर से, डिजिट से आप बारो ले लेते हैं और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, 104 - 82। अब 3 डिजिट्स हैं और 2 डिजिट्स हैं, ओके। फोर फोर इज ग्रेटर नंबर, तो 4 से 2 माइनस हो सकता है, तो आंसर इज 2। नाउ हेयर इज 0, तो 0 से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, 1 बारो ले लेते हैं, तो 10 में से 8 माइनस किया, तो 2, आंसर इज 22, ओके। 152 - 123, 2 में से 3 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, 1 बारो ले लेते हैं, 12 में से 3 माइनस किया, 9। हेयर जबकि हमने यहाँ से 1 बारो दे दिया, तो क्या रह गया, 4 रह गया, 4 में से 2 माइनस किया, 2, ओके। 1 - 1, 1 से 1 गया तो 0, कुछ भी नहीं रहता, तो 29 इज द आंसर। ये हो गया आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या, फिल इन दी ब्लैंक, यानी कि ये आपके पास स्क्वायर, इसको आपने फिल करना है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन आपने बुक में सॉल्व करना है, बुक में पेज नंबर 17 आपने ओपन करना है और वहाँ पे ये एक्सरसाइज आपने ये क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए 2 + 3 = 2 + 2, ओके। तो अब आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, ए क्या है 2 है और बी क्या है 3 है। यहाँ पे क्या है, ए गिवन है 2 और बी नहीं है, तो बी क्या है आपके पास 3, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ये आ गया आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 2 + 3 = 3 + 2, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में अगर और आपके पास ओल्ड बुक्स होगी तो वहाँ पे आपके पास एक मिस्टेक होगी, तो उसको आपने करेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 है, आपकी बुक्स में 3 लिखा होगा, तो उसको आपने करेक्ट कर लेना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, 4 + - 5 + 4, ओके। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बी, तो यहाँ पे बी क्या है 5, तो इधर आंसर आपके पास क्या आएगा, 5, ओके। 2 प्लस, ओके। तो स्टूडेंट, 2 में आप कौन सा नंबर ऐड करें कि आपके पास आंसर 2 आ जाए, व्हाट यू विल ऐड विद 2, कि आपके पास आंसर 2 आ जाए। अगर 1 ऐड करें तो 3 आता है, तो कौन सा नंबर हम ऐड करते हैं, 2 + 0, ठीक है ना। 2 + 0 जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, क्योंकि 0 है नो वैल्यू, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी नंबर के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, नंबर कम बिकम सेम। अगर 2 के साथ आप 0 ऐड भी कर लेते हैं तो आपके पास आंसर 2 ही आएगा, ओके। 4 पे आ जाए, 2 + (3+4) = (+3+4). अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, जो आपने अभी 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 नंबर्स आपके पास आ गए ना, जब 3 नंबर्स होते हैं तो आपके पास क्या होता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो वो आपके पास क्या हो जाती है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट्स ग्रुप की आप ग्रुपिंग कर लेते हो, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ओके। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ए है 2, बी 3 और सी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए आपके पास क्या है, यहाँ पे ए क्या है, यस 2, तो आंसर इज 2। तो इस तरीके से आपने अपना ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपीज में डन कर लेना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी यू विल डन इन योर कॉपीज, ओके। तो क्या कहते हैं, 3 + (5+7) = 3+5+7। अब कहते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है,
ट्रू फॉल्स का हमें कैसे पता चलता है, पहले तो आप देख लें ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होगा कि आपके पास ग्रुपिंग होगी और उसका आंसर जो दोनों के हैं वो सेम आएंगे। तो 5 + 7 12 + 3 15, इसका आंसर भी 15 आता है। और यहाँ पे आप चेक करें 5 + 8 + 7, इसका आंसर भी 15 आता है। दोनों का आंसर 15 आ रहा है और दोनों के पास आपके देखें 3 नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी एंड इनटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, आंसर सेम आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आप टिक कर देंगे ट्रू। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, 6 + 7 इज इक्वल टू 6 + 5। अब एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, 6 + 7 इज इक्वल टू 6 + 5। 6 + 7 इज क्या आंसर आता है, 13, और 6 + 11 आंसर इज 6 + 5 आंसर इज 11। तो 13 इज नॉट इक्वल टू 11। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गई, आपने क्या कर देना है, फॉल्स का पे टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। एट 0 विद एनी नंबर द नंबर द आंसर विल बी दैट नंबर, ठीक है। 0 को आप जब किसी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर में आपके पास वही नंबर आ जाता है। तो इट्स, तो आप इसको क्या कहेंगे, इट्स ट्रू। आपने क्वेश्चन में है टिक टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरीके से आपने अपनी बुक में ये एक्सरसाइज, ये आपने अपनी बुक में टर्न कर लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब समझ आ गई ना आपको इस क्वेश्चन के भी, आपने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपकी बुक में होंगे। इसको आपने अपनी बुक में पेज नंबर 17 पे दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये लास्ट आप लोगों ने याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ओके स्टूडेंट। तो डूइंग स्टडी एट होम, ठीक है ना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में काम करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, इन चीज़ों की, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आप लोगों को काम आता हो, ठीक हो गया ना। तो ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।